देखिए किसी चीज़ की आपको ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप फ्री में इलाज करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बोलो, मैं पूरा कराऊंगा, लेकिन बच्चे की हालत ठीक हो जानी चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कि आप फ्री में उसका इलाज करो, हम लोग यहाँ से सारा पेमेंट कर देंगे, लेकिन बच्चे की जान बचनी चाहिए। और कोई भी ऐसी कोशिश नहीं है जो आप मत कीजिए, सारी कोशिशें कीजिए आप, ठीक है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष जनाब रहमत अली साहब। मैं आपको बता दूं कि बिहार के जिला अररिया के भरगामा प्रखंड के बीरनगर बिसहरिया गांव में आग लगने से 16 घर जलकर राख हो गए, जिसमें 3 बच्चे की जलने से मौत हो गई, 1 बच्चे का पूर्णिया में इलाज चल रहा है। वो आपको कैसे जानकारी मिली कि यहाँ आग लगी? देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि बीरनगर बिसहरिया में दिलसाद के 3 बच्चे जलकर खाक हो गए हैं और 1 बच्चे की हालत काफ़ी गंभीर है, जो पूर्णिया में अभी भर्ती है उनका इलाज चल रहा है। और यहाँ पर लगभग 1.5 दर्जन परिवार का घर तबाह हुआ है, बर्बाद हो गया है, कई ऐसी बच्चियों की शादी होनी थी उनके सारे सामान जलकर खाक हो गए। इन तमाम बातों को लेकर हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने हमें बताया कि आप जाके वहाँ पर जो वहाँ की स्थिति है उनसे हमें अवगत कराइए, और उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी से बात करी है और जो भी हम लोगों से बन पाएगा हम लोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, वो राजनीति नहीं करती है बल्कि उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। आज से 1 महीना पहले आपके सिकटी प्रखंड में शहबाज नामक एक युवक की SSB ने पीट पीट कर हत्या कर दिया था, वहाँ भी जनाब अख्तरुल ईमान साहब आए थे, मैं पहुँचा था, हमारी AM की टीम पहुँची थी। तो मैं खास करके बिहार सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि 4 लाख रुपये का जो दुर्घटना बीमा है वही पैसा देना मुनासिब नहीं है, बल्कि ये हादसा बहुत ही दर्दनाक है और इसमें करोड़ों मुसलमानों अल्पसंख्यकों का आस्था जुड़ा हुआ है इससे, और सब लोगों को फिक्र है कि यहाँ पर जो घटना हुई है बहुत ही बेहद खतरनाक घटना है और बेहद दुखदायी घटना है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से जो भड़गामा बाज़ार है वहाँ जाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है, ना ही यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है ना ही दमकल की व्यवस्था है। जैसा कि यहाँ के मुखिया जी ने हमें बताया कि दमकल को आने में 3 घंटे लग गए और एम्बुलेंस को आने में भी 2-3 घंटे लग गए। तो आप हमें बताइए, जो ये सरकार का जो ये दावा है कि मैं हर जगह मुसीबत की जगह पर जहाँ किसी भी किस्म के हादसा होते हैं तो हमारी एम्बुलेंस टीम वहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में पहुँचती है, लेकिन इनका दमकल पहुँचने में घंटों लगा दिया। अगर हमको लगता है कि सरकार की ये मशीनरी अगर एक्टिव होती तो शायद इतना बड़ा हादसा टल सकता था और कम क्षति होती। तो मैं खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से ये कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज हमेशा से आपको वोट करते आया है, आपको सरकार में देखते हुए आया है और देखना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद अगर इनके साथ अनदेखी की जा रही है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कि इतना दर्दनाक घटना है, आप घटना स्थल पर आइए, पीड़ित परिवार से मिलिए, यहाँ के लोगों को सांत्वना दीजिए, यहाँ के लोगों को आप ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके साथ खड़े हैं। और ये 4 लाख रुपए का मुआवजा काफ़ी नहीं है, कम से कम 1-1 पीड़ित परिवार को 20-20 लाख का मुआवजा दीजिए, ताकि हम समझेंगे कि अल्पसंख्यक के साथ आप इंसाफ कर पाए। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रहमत भाई ने, माशाल्लाह जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन मैं रहमत अली भाई से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों की यहाँ बहुत कसीर तादाद है और यहाँ जो है ना ही कोई कॉलेज का व्यवस्था है और ना ही कोई बाजार है, हॉस्पिटल भी नहीं है। मैं बता दूं कि यहाँ से लगभग यहाँ के जो लोग हैं वो एक जिला से दूसरे जिला जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, इस पे आपका क्या राय है? देखिए सबसे बड़ी बात मैं ये बता देता हूँ कि जो हालात है यहाँ के उससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है और पूरा नगर ये पुकार रहा है कौन हमारा माली है। ये नीतीश कुमार के लिए एक चैलेंज की बात है, तेजस्वी यादव के लिए एक चैलेंज की बात है, उनको चुनौती में लेना चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि भारत का एक एक नागरिक के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। अगर उनके साथ आप अनदेखी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बीरनगर बिसरिया के अगल बगल एक बड़े अस्पताल का निर्माण करे, जो सदर अस्पताल अररिया से कनेक्टिविटी उनकी हो, और उसके बाद अस्पताल के साथ साथ कम से कम दर्जनों एम्बुलेंस की ज़रूरत है भड़गामा क्षेत्र में।
और एम्बुलेंस वो कब दे रहे हैं, इस घटना पे उसको सचेत होना चाहिए, नहीं तो आए दिन इस तरीके की घटना घटती जा रही है। मई का महीना है, जून के महीने में, अगस्त के महीने तक अगलगी की समस्याएं बनी हुई रहती है, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं। इस तीन बच्चे की जो शहादत हुई है, मैं इस शहादत पे उनसे मांग करता हूं कि इन बच्चे की शहादत के बाद वो कम से कम एक ऐसा सौगात दे जो यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मुखिया जी, यहाँ कोई एक ढंग का बाजार नहीं है, कभी आप लोगों को महसूस हुआ? ठीक है, बाजार तो है, मालूम होगा ही, लेकिन नहीं, कहाँ बाजार, ये बताइए मुझे कहाँ बाजार है। सबसे पहले यहाँ हॉस्पिटल जो बोले हैं मेरा जिला अध्यक्ष जी, हॉस्पिटल का ज़रूरत है, एम्बुलेंस का ज़रूरत है, और बाज़ार तो बाज़ार है, बाज़ार भी चाहिए और कॉलेज भी चाहिए, लेकिन अभी दौर दूसरा है, क्योंकि अभी मैयत हुआ है, इसलिए इसमें अभी बात ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात